नमस्कार, आज हम लोग आए हैं कुड़ू प्रखंड अंतर्गत सलगी पंचायत में। एक सरकारी स्कूल है, आइए देखते हैं उसका क्या सिचुएशन है, किस हालात में स्कूल चल रहा है। देखने से तो स्कूल लग रहा है कि प्राइवेट स्कूल है, लेकिन अंदर जाके देखते हैं क्या मैनेजमेंट है। स्कूल का नाम है राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय सलगी, जो कि कुड़ू प्रखंड अंतर्गत आता है। आइए अंदर देखते हैं अंदर का नज़ारा क्या है। बाहर से तो देख के लग रहा है कि प्राइवेट स्कूल में घुस रहे हैं, लेकिन देखते हैं, देख सकते हैं कि फूल पत्ती वगैरह पूरा लगा हुआ है। देखिए पूरा फूल वगैरह बहुत अच्छा व्यवस्थित ढंग से यहाँ लगाया गया है, और बहुत जगह कुछ कुछ लिखा हुआ है, बहुत अच्छा अच्छा बात लिखा हुआ है, वो भी देख रहे हैं। स्कूल का व्यवस्था देख के लग रहा है कि बहुत अच्छा है। और चपाकल में पानी आता है कि नहीं देखते हैं। चपाकल एक दिख रहा है, पानी तो लगता है चालू है, और टंकी वगैरह भी बना हुआ है। देखते हैं पानी आ रहा है कि नहीं सब में। देख तो रहे हैं बच्चे लोग बेसिन में हाथ वगैरह धोते हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं। वहाँ दूर दिखाने कोशिश कीजिएगा। और बहुत अच्छा लग रहा है, लग रहा है कोई प्राइवेट स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल लग रहा है। आगे देखते हैं क्या है। फूल पत्ती पूरा लगा हुआ है, और बच्चे भी दिख रहे हैं, पूरा ड्रेस में हैं, सब बच्चे वेल ड्रेस दिख रहे हैं। आगे देख सकते हैं कि यहाँ शायद यहाँ झंडा फहराया जाता है, यहाँ भी बनाया हुआ है स्टेज टाइप का। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ के बीच में एक नीम का पेड़ लगाया गया है। नीम का पेड़ बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ये तो आप लोग जानते हैं, औषधीय गुण भी होते हैं, और ऑक्सीजन भी भरमार मिलता है इससे। और आगे देखते हैं, इधर शौचालय वगैरह दिख रहे हैं, शौचालय वगैरह क्या व्यवस्था है देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको डस्टबिन मिलेगा स्कूल में, दिख रहा है जो डस्टबिन रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है स्कूल का। और हम लोग देखते हैं बाथरूम में पानी आता है। बाबू पानी यहाँ चलता है? हाँ। आप लोग हाथ धोते हैं इसमें? हाथ धोते हैं ना। देखिए साबुन भी रखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है, साबुन से हाथ धोते हैं टॉयलेट जाने के बाद। और यहाँ शौचालय है, शौचालय भी देखते हैं। वाह, फ्रेश शौचालय है, बहुत अच्छा है। देखिए शौचालय भी फ्रेश है, क्योंकि बहुत स्कूलों में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। और देखिए बच्चा हाथ भी धो रहा है साबुन से, ठीक है। और इसमें पानी भी चल रहा है। और देखते हैं और शौचालय है इधर। जैसे शौचालय में दुर्गंध वगैरह आते हैं, उस टाइप का बात नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है व्यवस्था। और स्कूल भी बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि प्राइवेट स्कूल होता है ना, उस टाइप का लग रहा है। आइए देखते हैं और अंदर क्या है। बहुत सारे स्कूल में जाते हैं तो बहुत व्यवस्था बहुत चरमर है, स्थिति ख़राब है सबका, लेकिन यहाँ का स्थिति बहुत अच्छा लग रहा है। जबकि आपको हर बेसिन में पानी साबुन सब दिख रहा है। बच्चियाँ देखिए बाथरूम में हाथ भी धो रहे हैं, साबुन साथ होते ही ना तुम लोग। देखिए यहाँ भी पानी आ रहा है, सब साबुन से हाथ भी धो रहे हैं, साबुन भी रखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाथरूम भी बहुत अच्छा है, देख सकते हैं साफ़ है पूरा। यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि जो भी यहाँ पे मैनेजमेंट है, जो भी प्रधानाचार्य हैं, वो अपने स्तर से गुलाब वगैरह लगाए हैं, जो कि कितना अच्छा यहाँ पे फूल वगैरह खिल रहे हैं। जैसे कि एक फूल देख रहे हैं, एक और सारा भी इसमें कलियाँ आई हुई हैं, और इसमें पानी वगैरह भी, खाद वगैरह भी दिया गया है। तो ये बहुत अच्छा लगता है देखकर कि यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो बहुत ध्यान देते हैं, और अपने स्तर से जो भी होता है फूल पत्ती वगैरह सफाई को लेकर या अनुशासन को लेकर बहुत सजग हैं। तो आइए हम बात करते हैं सर से भी। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है सर? वैद्यनाथ प्रजापति। वैद्यनाथ, ऐसे आप कैसे कर पाए, इतना स्कूल को सजा कैसे पाए आप? देखिए इसमें जिस सेवा के लिए हमको लगाया गया है उसमें समर्पण की भावना रहेगी तो निश्चित रूप से हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। अगर सिर्फ हम सरकार के भरोसे कुछ करना चाहते हैं जी, तो संभव नहीं है। नहीं, सही बात है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्कूल का सुसज्जीकरण कैसा खूबसूरत दिखता है,
और स्कूल के प्रिंसिपल हैं और प्रधानाचार्य हैं, वो लोग क्यों नहीं कर पाते हैं सर, क्या कमी रह जाती है? अब इसके विषय में तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत जहाँ तक मेरी बात है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी हमको सहायता मिलती है उसका 100% मैं विद्यालय में खर्च करता हूँ, मेहनत भी करता हूँ, ईमानदारी से सारा काम करता हूँ, और मेरा प्रयास रहता है कि विद्यालय में जो हमारे जो बच्चे गरीब तबके के ही इस विद्यालय में बच्चे आते हैं, बिल्कुल सही बात, किसान वर्ग के बच्चे आते हैं, तो क्यों ना हम उसके लिए कुछ करें, सही बात है, ताकि वो भी उनको महसूस ना हो कि हम एक सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और मेरे विद्यालय में सुविधा का अभाव है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि कितना अच्छा सजाया गया है स्कूल को। आप जैसे नॉर्मल प्राइवेट स्कूल होता है वहाँ भी जाइएगा तो आपको ये व्यवस्था दिखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे कि यहाँ दिख पा रहा है कि इतना सारा, जैसे कि बीच में आप लोग देख रहे हैं बरगद का पेड़ है, कितना एक भाव कितना अच्छा झलकता है कि नीम का भी पेड़ है, बरगद का भी पेड़ है, और साइड में हरा भरा कितना दिख रहा है, और स्वच्छता पर खास ध्यान दिया गया है, डस्टबिन वगैरह जगह जगह पर रखा गया है। तो आप और स्कूल जैसे कि चल रहे हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? यही संदेश देना चाहते हैं कि पहले आज से 10 साल 15 साल पहले सरकारी विद्यालयों में मैंने किसी प्रकार का सरकारी सहायता उतना ढंग से प्राप्त नहीं होता था, लेकिन आज छात्र संख्या के आधार पर जो भी सरकार हमको देती है उसका सदुपयोग ढंग से करें तो निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। और सर यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे कि सारे बच्चे वेल ड्रेस हैं, सब अनुशासन में हैं, तो ये सब भी आप कैसे कर पाए, क्योंकि जितना हम सरकारी स्कूल में अभी तक गए हैं इतना वेल ड्रेस बच्चे हमको नहीं दिखे हैं और अनुशासित भी नहीं दिखे हैं, ये सब आप कैसे कर पाए सर, लोगों को बताएं प्लीज़। देखिए सबसे पहले है कि व्यवहार परिवर्तन जी। तो व्यवहार परिवर्तन एक दिन में संभव नहीं, इसके लिए लगना पड़ता है। और 2018 फरवरी, 1 फरवरी से मैं यहाँ प्रभार में हूँ, और प्रभार लेने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ बाउंड्री वाल का काम किया। बाउंड्री वाल का काम करने के लिए मेरे पास कोई फंड नहीं था, फिर भी उस समय एक पत्र आया था सरकार से कि ऐसे जर्जर भवन जो विद्यालय परिसर में है उसको कंडम घोषित करवा करके है ना, उसको साफ सफाई किया जाए ताकि किसी प्रकार का दुर्घटना विद्यालय में ना हो। तो उसी के तहत मैंने विद्यालय के अंदर जो जर्जर भवन थे, तीन भवन खंड थे बीच में ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बीच में तीन भवन खंड थे, उसको मैंने विद्यालय प्रबंधन समिति से पारित करवा करके और अपने विभाग को सौंपा, वहाँ से मतलब भवन निर्माण विभाग को भेजा गया, वहाँ से हम उसको तोड़ने का आदेश दिया गया, और उसमें मेरे द्वारा और प्रबंधन समिति के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि ये जो सामग्री जो यहाँ से निकलेगा उसको हम लोग अपने विद्यालय में ही यूज करेंगे। जैसे ईंट हम लोग को इससे प्राप्त हुआ तो उसी ईंट से हम लोगों ने ये जो बाउंड्री देख रहे हैं उसको हम लोगों ने कराया। अब उसके लिए विद्यालय में जो कुछ लकड़ी वगैरह था, बीच में कुछ यूकलिप्टस का पेड़ वगैरह था 3-4, जो कि बराबर दुर्घटना वो वृद्ध हो चुके थे, तो उसको भी मैंने अंचल से परमिशन लेकर के उसको भी यहाँ से हटवाया ताकि मैंने किसी प्रकार का दुर्घटना न हो। और उससे जो राशि प्राप्त हुई उस राशि को मैंने विद्यालय प्रबंधन समिति के अकाउंट में डलवा करके बजाबते विधिपूर्वक नियमपूर्वक बाउंड्री वाल में जो खर्च आया, एक्स्ट्रा खर्च जैसे सीमेंट खरीदने के लिए और लेबर कोस्ट, तो उसमें मैंने उसका उपयोग किया और इस तरह से मैंने सारा व्यवस्थित करके रखा। जैसे झारखंड में जो भी प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं, वो लोग को आग्रह करना चाहते हैं कि प्लीज हमारे इस बैजनाथ सर के विचार को समझें और इनके भावों को समझें और आप लोग भी स्कूल को ऐसे ही व्यवस्थित करने का कार्य करें, क्योंकि सर आप सुनने में आया है कि आप कुछ पैसा अपने भी खर्च करके कुछ व्यवस्था करने में हम लगाए हैं, बहुत इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। ये आपकी बहुत बड़ी दिल है सर कि जो कि आप ये करते हैं और
मतलब बहुत सारे प्रिंसिपल तो ये करते हैं कि जो फंड का पैसा है उसका भी यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन आपने अपने पॉकेट से लगा कर यहाँ पे कुछ कार्यक्रम भी कराते हैं और जो यहाँ सुसज्जित करने के लिए जो भी सामग्री की ज़रूरत पड़ता है उसका भी यूज़ करते हैं। तो आप मतलब हमारे जो भी झारखंड के टीचर हैं या इससे और भी बाहर के भी टीचर हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश यही देना चाहेंगे कि जिस काम के लिए हमको लगाया गया है उस पर हम लोग 100% का लक्ष्य कैसे प्राप्त करें। अगर 100% हम नहीं भी जाते हैं तो प्रयास तो मेरा रहेगा ना कि 80 पार करें, 90 पार करें, है ना। तो अगर एक लक्ष्य हम लोग निर्धारित करके अगर आगे बढ़ते हैं तो सफलता निश्चित मिलेगी, इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है। मैं अपनी क्षमता के अनुसार जो कर रहा हूँ, शायद कुछ इसमें बहुत ज़्यादा त्याग की भावना भी है, और जब तक त्याग की भावना नहीं रहेगी हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चलिए, लाइव 11 आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर कि आप इतना अच्छा स्कूल को बना के रखे हैं और आगे भी ऐसे ही चलते रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। कैसे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं और किस टाइप का यहाँ पे पढ़ाई लिखाई होता है वो भी देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं, आइए आइए। तो बाल संसद कच्छ, आइए देखते हैं क्लास में। गुड मॉर्निंग, देख रहे हैं कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। आप लोग डेली स्कूल आते हैं? हाँ डेली आते हैं ना। और सब पढ़ाई अच्छा सो रहा है? अच्छा सोता है ना। खाना वगैरह अच्छा से मिलता है? खाना तो अच्छा नहीं लगा हमको, सब लोग खाना नहीं खाते हैं ना। बैठ जाइए। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ दिख रहा है बोर्ड वगैरह पूरा लगा हुआ है, आपको बैनर वगैरह सब तरफ दिख रहा है, और बच्चे कितने व्यवस्थित ढंग से। सबसे बड़ी बात है कि इतने छोटे बच्चे हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में भी इतने अच्छे से व्यवस्थित से आपको नहीं दिखते हैं, क्योंकि यहाँ लाइन बाय लाइन बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सब यहाँ वेल ड्रेस हैं, सब ड्रेस पहन के आते हैं, ठीक है, और सब अनुशासन में रहते हैं। और सर अभी सिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं सर? खेल खेल में गणित की शिक्षा दी जा रही है। जंगल में कितनी चिड़िया हो गई? कहाँ रहती है चिड़िया? जंगल में ना, जंगल में कितना रहती थी? एक चिड़िया ना, और एक आ गई फुर से, पता नहीं किधर से। अब बोलो कितनी हो गई चिड़िया? कितनी हो गई? दो। और अगर एक चिड़िया उसमें आ जाती है फुर से, तो अब बताओ कितनी हो जाएगी? तीन ना। और यदि और एक चिड़िया आती है तब? चार हो जाएगी ना। चलिए बहुत अच्छी, आप ये लोग को सिखा रहे हैं, खेल खेल में लोग सीख रहे हैं। गिनती कितना तक आता है बाबू आपको? गिनती आता है? बोलिए बोलिए बोलिए। शर्मा रहे हैं, बच्चे हैं क्योंकि नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। और रुमाल को हटाइएगा, रुमाल हटाइए। गिनती आता है? कितना तक आता है? जोर से बोलिए, शुरू करिए। एक, हाँ, दो, हाँ, तीन, हाँ, चार, हाँ, पाँच, हाँ, छः, हाँ, सात, हाँ, आठ, हाँ, नौ, हाँ, दस। चलिए बस बस, बहुत अच्छा, ताली बजाइए, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग बोल पा रहे हैं, ठीक है, और इतने छोटे एज में लगभग सब लोग माइक तो क्या, दूसरे लोगों के सामने बोलना भी नहीं चाहते हैं या बोल भी नहीं पाते हैं, लेकिन ये लोग बोल पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप लोगों को। देखते हैं यहाँ पे क्या व्यवस्था है, यहाँ भी सब वेल ड्रेस दिख रहे हैं और सब लोग अनुशासन में हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये सिक्स क्लास है ना? ओ हम ऊपर देखे तो लगा एक क्लास है, ठीक है, सिक्स क्लास है। अब कहाँ से आते हैं? सलगी से। सलगी से। पापा क्या करते हैं? अपना काम। अपना काम है। अच्छा से पढ़ाई होता है? यस। डेली क्लास आते हैं? यस।
ले आते हैं। आप लोग बैठ जाइए। आपका क्या नाम है? सबिता कुमारी। क्या बोले? सबिता कुमारी। सबिता कुमारी, आप कहाँ से आते हैं? गरबू टोली से। गरबू टोली से। पापा क्या करते हैं? काम करते हैं अपना। काम करते हैं। जैसे कि आप लोग पूरा ड्रेस में आते हैं और अगल बगल के बच्चे ऐसे नहीं आते हैं तो लोग तो सिखाते हैं कि ड्रेस में जाना चाहिए? नहीं बताते हैं। दूसरा स्कूल में जो बच्चा लोग जाते हैं आप लोग ऐसे बताते हैं पर नहीं जाते हैं? तो बताना है, दूसरों को भी बताना है, ठीक है? कि मतलब इतना अच्छा आने में अच्छा लगता है ना आपको, फ्रेश लगता है, ठीक है? तो अभी क्या पढ़ाई हो रहा है? हिंदी। हिंदी पढ़ाई हो रहा है। हिंदी पढ़ने में अगर अच्छा से जान जानते हैं? यस। आता है ना हिंदी पढ़ने? यस। चलिए बहुत अच्छा बात है। क्या नाम है आपका? खड़ा भाई। गीता कुमारी। कहाँ से आते हैं? चुंद। चुंद से आते हैं। पापा क्या करते हैं? पापा अपना काम करते हैं। अपना काम करते हैं। अभी क्या पढ़ाई हो रहा है? अभी मैम पढ़ाई थी, फिर हिंदी पढ़ाने आए थे सर। हिंदी। क्या नाम है अब? खड़ा जो। क्या नाम है? सुनील राम। कहाँ से आते हैं? अच्छा, फौदा टोली से। फौदा टोली से आते हैं। देखिए ये सुनील राम जो आते हैं फौदा टोली, जंगल के बीच में गांव, ठीक है? और यहाँ ये लोग आके पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग पढ़ाई में बढ़िया ध्यान दीजिए। पापा क्या करते हैं? पापा नहीं है। नहीं है, इनका पापा भी नहीं है। और तो आपको अच्छा सा और पढ़ाई करना चाहिए। यस। ठीक है, तो हिंदी पढ़ने वगैरह आता है कुछ? आता है थोड़ा। आता है ना, यहाँ जो लिखा हुआ है पढ़ पाएंगे? पढ़ लेंगे ना। यहाँ ऊपर में क्या लिखा हुआ है ये बोला? सजीव। सजीव लिखा हुआ है। ताली बजाइए, पढ़ लिए इसमें। बैठ जाइए। खड़ा जी, क्या नाम है? आर्यन कुमार। आर्यन कुमार जी कहाँ से आते हैं? सलगी। क्या करते हैं पापा? पापा होटल। होटल चलाते हैं ना। आपको भी होटल चलाना है क्या, और कुछ करना है? क्या करना है? आर्मी। आर्मी में जाना है। ताली बजाइए, आर्मी में जाना है। देश देश का सेवा करना है, ठीक है? अभी से लक्ष्य निर्धारित है तो उस तरीके से पढ़ाई भी करेंगे। यस। ठीक है, और शरीर का भी ध्यान रखेंगे, फिटनेस पूरा रहेंगे। यस। तभी तो आर्मी में जा सकते हैं ना। यस। तो अभी क्या पढ़ाई हो रहा है? अभी हिंदी। हिंदी हो रहा है। पढ़ने वगैरह जानते हैं? यस। जानते हैं ना, ऊपर वाला लाइन क्या लिखा हुआ है? सजी एवं एवं उनका परिवेश। परिवेश, ठीक है, सजी एवं उनका परिवेश। चलिए ताली बजाइए, इन्होंने भी पढ़ लिया। बहुत अच्छा। आप लोग में से कहाँ से आते हैं आप? सिलैया बटोली से। कहाँ? सिलैया बटोली। किसको प्रकरण से? बहुत दूर से आते हैं आप लोग। कैसे आते हैं? पैदल। पैदल आते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि उस एरिया में ऐसा स्कूल नहीं होगा, ठीक है? जिस कारण से ये लोग इतना दूर मतलब बहुत मुश्किल का सामना करते हुए पैदल आते हैं, जो कि लगभग कितना किलोमीटर होगा सर? लगभग देखिए 6 किलोमीटर। इतना छोटी बच्ची, हम लोग 1 किलोमीटर चलने बोल दिया जाए तो हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक है? जो भी डेली चलना है। तो आप लोग क्या से आते हैं, कैसे आते हैं? पैदल। पैदल आते हैं? हाँ। कितने लोग आप लोग आते हैं? ढेर सारा आते हैं। बहुत सारा आते हैं। तो देखिए पैदल उतना दूर से आना, एक सबसे संघर्ष तो यही करके आ रही है बच्ची कि इतना दूर से पैदल आ जा रही है, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर आपको कि इतना अच्छा स्कूल रखे हैं, क्योंकि इतना दूर से बच्चा आ रहा है, पैदल भी आ जा रही, छोटी छोटी बच्ची है, ठीक है? ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ आपको पढ़ने वगैरह सब आ जाता है अच्छा से? पढ़ लेते हैं ना। पहाड़ा कितना तक आता है? 15 तक। अरे 15 तक आता है। हमको 12 का सुना पाइएगा? 12 बरदनी 24 बरतिया 36 बरचक 48 बरा 25 60 बरचक 72 बरा 70 84 बरा 98 बरा 9 108 बरदा 100। ताली बजाइए। ऐसे ऐसे बच्चे से मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है, और लगभग सब बच्चे ऐसे ही मतलब सब बन जाए कि इसी के जैसा, जो भी पढ़ाई होता है अच्छा से पढ़ें, और उतना दूर से आती है उसका फ़ायदा भी मिलना चाहिए, ठीक है? तो सर लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतना अच्छा सुव्यवस्थित ढंग से सजा के रखे हैं और पढ़ाई भी अच्छा हो रहा है। चलिए अभी हम लोग 6 क्लास में थे, अभी आ रहे हैं हम लोग 2 क्लास में जा रहे हैं, और हमको इतना अच्छा
फूल दिख रहा है, कितना अच्छा खिला हुआ है और अंदर से भी साफ़ सफाई किया हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है कि ऐसे स्कूल में आके मन एकदम खुश हो जाता है। जो बोला जाता है कि हर्षित होना, वही यहाँ पे दिख रहा है। जैसे चारों तरफ फूल खिले हुए हैं और यहाँ पे पढ़ाई का क्या नज़ारा होगा आप लोग सोच सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि दूसरे क्लास में, अभी हम लोग आए हैं कौन सा क्लास है देख लेते हैं। यहाँ तो लिखा हुआ है तीसरा क्लास। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, सब ठीक हैं? यस सर। और यहाँ के बच्चे भी वेल ड्रेस हैं। बैठ जाइए सब लोग। थैंक यू सर। आप लोगों को पढ़ाई अच्छा से होता है? यस सर। आ जाइए, आ जाइए। कै बजे आप लोग क्लास आते हैं? अच्छा, प्रार्थना कै बजे होती है? 9 बजे हो जाती है। और क्लास में आप लोग कई बजे आ जाते हैं पढ़ने के लिए? 9:30 लगभग 5-10 मिनट इधर उधर होता होगा। yes, तो कई क्लास है ये? 3 क्लास सर। 3 क्लास यस सर। खड़ा हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? नेहा कुमारी। कहाँ से आते हैं? रिजिटैंड से। रिजिटैंड से बहुत दूर से आते हैं आप। आपको ABCD आता है पूरा? यस सर। और का था पूरा? आता है सर। आता है सर। आता है पूरा? यस सर। गिनती कितना तक जानते हैं? 100 तक। 100 तक आधा का पढ़ाते हैं सर। अच्छा, और पहाड़ा? 14 तक सर। 14 तक आता है? यस सर। अरे बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं। यस सर। हमको 9 का सुनाइए। 9 का? नौ का नौ, नौ दुनी 18, नौ तिया 27, नौ चौके 36, नौ पते 45, नवे 54, नौ सत 33, नौ अठे 72, नवे 81, नौ दाग 90। ताली बजाइए। बैठ गई है। बाबू बहुत पढ़ रहे हैं, आप खड़ा हो जाइए। कहाँ से आते हैं? सलगी से। सलगी से। पापा क्या करते हैं? क्या करते हैं बताइए। नहीं पता। नहीं पता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ABCD जानते हैं पूरा? हाँ। का खा पूरा? हाँ। और गिनती कितना तक जानते हैं? 100 तक। 100 तक। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। और पहाड़ा कितना तक जानते हैं? 10 तक। 10 तक। 7 पे सुनाइए। 7 का 7, 7 दुनी 14, 7 21, 7 4 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 70। ताली बजाइए, बहुत अच्छी बात है। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और ये लोग गिनती पहाड़ा लगभग जो जानना चाहिए वो अपेक्षा से ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों को ध्यान भी देना है और सबको ड्रेस में आना है और घर में भी पढ़ाई करना है। ठीक है। यस सर। तो अभी मैम क्या पढ़ा रही थी आप लोगों? काका के कमे काका। तो आपका क्या नाम है मैडम? हीरामणि पन्ना। हीरामणि पन्ना। तो मैडम ये लोग पढ़ने में कैसा है? अच्छा है सर, बच्चा लोग पूरा हिल मिल के है हमसे। मतलब अच्छा सिखाने में है। सिखाने में कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जिसका मैंने ब्रेन थोड़ा सा कमज़ोर रहता है उसी के अनुसार थोड़ा पढ़ाई में वो लोग कमज़ोर होता है। नहीं तो बच्चा लोग को मैंने अपने से भी अधिक वो लोग जान लेता है। हम लोग बच्चा लोग से भी सीखते हैं और हम लोग बच्चों को भी सिखाते हैं, ऐसा है बच्चा लोग। तो जैसे कि ये लोग दूर दूर से भी आते हैं तो उस हिसाब से भी हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि अच्छा शिक्षा मिले यहाँ पे। हाँ, तो हम लोग देते हैं सर जितना भी हम लोग तो कोशिश करते हैं और कोशिश करते रहेंगे। और हम उपस्थिति कैसा रहता है? उपस्थिति देखिए, छुट्टी होता है ना सर, उसके बाद खुलती है तो थोड़ा बच्चा लोग की संख्या कम होती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ जाती है। कल जनसंख्या कम था फिर आज बढ़ गया। कल हमारा क्लास में 11 थे, आज हो गया 21। नहीं सही बात है, क्योंकि छुट्टी का माहौल होता है तो कुछ कुछ कहीं मेहमान वगैरह जाते हैं तो नहीं आ पाते हैं। लेकिन शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि लगभग सब बच्चा सेम रहे। ठीक है, स्कूल आके अगर फेल होता है तो शिक्षक का जिम्मेवारी होता है कि उसको सही करें। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छा बच्चे लोग को सिखा रहे हैं, इसी तरह सिखाते रहिए
और ताकि बच्चे बहुत आगे जाएं, लोगों को ये ना लगे कि ये सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग तो बोलते हैं बच्चा लोग को ट्यूशन मत करो, हम लोग जितना पढ़ाते हैं ना वही उसी में तो लोग बहुत अच्छा करेगी और कर रहा है सर बच्चा लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बच्चों को इस तरीके से शिक्षा दे के रखे हैं ताकि ये लोग बहुत आगे बढ़ें। चलिए बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आइए हम लोग दसवीं क्लास में अभी प्रवेश कर रहे हैं, देखते हैं कि यहाँ के बच्चे कैसे जानते हैं। चलिए ठीक, आ जाइए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो गया। चलिए कोई बात नहीं, उपस्थिति ज़्यादा लग रहा है ना। आप कहाँ से आते हैं? रोचो बरवा टोली से। क्या नाम है? निशांत भगत। निशांत भगत कौन सा क्लास में है? टेंथ ए। टेंथ ए में? जी सर। अच्छा, अभी क्या पढ़ाई हो रहा है? अभी भूगोल पढ़ाई हो रहा है। भूगोल, खड़ा हो जाइए। क्या नाम है? रतन मुंडा। कहाँ से आते हैं? सलगी लाल टोली से। लाल टोली, लालू टोली। अभी क्या पढ़ाई हो रहा है? भूगोल। भूगोल, भूगोल का मतलब जानते हैं? जी सर। क्या होता है? मतलब भूमि, और गोल मतलब भूमि का पृथ्वी जमीन, मतलब धरती के बारे में जानकारी। जी ठीक है, इसको भूगोल कहते हैं। जी तो अभी क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? जल संसाधन। जल संसाधन किसको बोलते हैं, क्या होता है वो? जल संसाधन, संसाधन का मतलब हमारे दैनिक जीवन में उपयोग हर वह वस्तु जिसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे पानी का गन कैसे बोले, बोलिए जो समझ में आते हैं वही बोलिए। जैसे संसाधन मतलब कैसे कैसे हम लोग उसको प्राप्त करते हैं। जल, जैसे जल को प्राप्त करते हैं नदी तालाब से और कुआं से। हम लोग कौन सा देश में रहते हैं? भारत देश। भारत देश में रहते हैं। और कौन सा जिला में है हम लोग? लोहरदगा जिला। और राज्य कौन सा है? झारखंड। झारखंड। और हमारे देश के राष्ट्रपति जो बने हैं क्या नाम है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। शिक्षा मंत्री कौन है? श्री जगन्नाथ महतो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजाइए। और उस साइड से भी देखते हैं कुछ बच्ची हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? खड़ा हो। सुमन कुमारी। सुमन कुमारी, आपका परीक्षा कितना दिन में होने वाला है? टेंथ बोर्ड कब होता है परीक्षा? फरवरी मार्च में। लगभग मार्च में होता है ना जी। तो तैयारी चल रहा है पूरा? चल रहा है। तो यहाँ कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपका? मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, कुड़ुक। कुड़ुक लिए हैं आप? हाँ, और हिंदी है। अच्छा, कुड़ुक पढ़ाई होता है अच्छा से? होता है। होता है जी। तो कुड़ुक भी अच्छा विषय है और इसमें भी बहुत स्कोप है। ठीक है, आगे चल के बहुत स्कोप है इसमें भी, कुड़ुक में भी। तो हम लोग कौन सा राज्य में रहते हैं? झारखंड। झारखंड राज्य में रहते हैं। कौन सा जिला में है? लोहरदगा जिला में। लोहरदगा जिला में। मुख्यमंत्री कौन है हम लोग का? मुख्यमंत्री झारखंड का सीएम हेमंत सोरेन। चलिए बहुत धन्यवाद आपको, बैठिए, ताली बजाइए। क्या नाम है? सोनी कुमारी। सोनी कुमारी कहाँ से आते हैं? सलगी महतो टोली से। सलगी से आते हैं। आप कितना क्लास में अभी हैं? टेंथ ए में। टेंथ ए में हैं। चलिए, आपके पापा क्या करते हैं? कुछ नहीं, कमाने गए हैं। अच्छा, बाहर कमाने जाते जी। हैं जी। ठीक है, तो पढ़ाई अच्छा से करना चाहिए। ठीक है बाप, क्योंकि गरीब फैमिली से आते हैं हम लोग जी। ठीक है, तो अभी क्या पढ़ाई हो रहा है? भूगोल। भूगोल, भूगोल का मतलब? भूगोल का मतलब भूमि और जमीन, पृथ्वी, धरती के बारे में जानकारी। ठीक है जी। उसी को भूगोल कहते हैं। तो यहाँ अभी कौन कौन सा विषय है आपका? दस क्लास में क्या क्या विषय है? साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कुड़ुक। आप भी कुड़ुक लिए हैं जी? अच्छा, इंग्लिश पढ़ाई होता है जी। इंग्लिश का स्पेलिंग? ENGE। अच्छा से बोलिएगा, डरना नहीं है।
ई एन जी ई एल ई एस एच। अब हड़बड़ा गए हैं, डर कहे ना, देखने से लग रहा है कि अब हड़बड़ा गए हैं। अच्छा से बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप बताइए आपका नाम क्या है? सोनी कुमारी। सोनी, सोनी का स्पेलिंग बोलिए। एस ओ एन आई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप बैठिए। हड़बड़ाना नहीं है, काहे डर जाते हैं आप लोग, आप ही लोग जैसा हम लोग हैं, ठीक है? आप लोग से पूछेंगे तो आप लोग बताइएगा ना, तो दूसरा स्कूल का बच्चा लोग देखेगा तो वो लोग मोटिवेट आप लोग से होगा। आप लोग वो लोग को शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है? आप लोग से वो लोग सीखेगा, इसीलिए आप लोग डरिए मत, बताइए एकदम निश्चिंत होके खड़ा ही। क्या नाम है? कुशीला कुमारी। कहाँ से आते हैं? उटाप नाथपुर से। बहुत दूर से आते हैं। तो जैसे अभी क्या पढ़ाई हो रहा है आपसे? भूगोल। भूगोल। और इंग्लिश पढ़ाई होता है? जी। तो इंग्लिश में पढ़ने वगैरह जानते हैं? उतना नहीं आता है, लेकिन पढ़ लेते हैं जी। और मैथ वगैरह अच्छा से होता है? जी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए। क्या आता है? उतना तक पहुँचे हैं कि नहीं? पहुँचे पहुँचे हैं। चलिए याद नहीं है ना। हाँ बताइए बताइए, खड़ा होइए बोलिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर एस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू, नहीं प्लस टू ए बी। अच्छा तो फिर से घर बड़ा खबर नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यही है। और कौन बताएंगे? बताइए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ताली बजाइए। ऐसे सबको आना चाहिए ना। इंग्लिश पढ़ने आता है आपको? हाँ थोड़ा थोड़ा आता है। चलिए थोड़ा बहुत आता है लेकिन आ जाएगा, ठीक है? पढ़ लेते हैं ना? हाँ उच्चारण कर करके पढ़ लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा बात है, ध्यान देना होगा और, ठीक है पढ़ लीजिएगा। और तैयारी कैसा चल रहा है मैट्रिक बोर्ड का? मैट्रिक बोर्ड का अच्छा ही चल रहा है तैयारी अभी। कितना उम्मीद रखें? 70% टारगेट बड़ा रखना चाहिए, ठीक है? 99, 90, 90+ ऐसा रखना चाहिए टारगेट, ठीक है? चलिए बैठ जाइए। पूनम कुमारी। पूनम कुमारी कहाँ से आते हैं? तिसिया डुमरटोली से। तिसिया डुमरटोली, लगभग कितना किलोमीटर हो जाएगा सर? 6 से 7 किलोमीटर दूरी है। और आप कैसे आते हैं? साइकिल से। साइकिल मिला है? नहीं। साइकिल नहीं मिला है? नहीं। और 10 क्लास में आ गए? गांव पढ़ते थे सर। गांव पढ़ते थे, जैसे साइकिल तो 8 क्लास में मिल जाता है? नहीं, नहीं मिला है। नहीं सर। अभी 8 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको इस साल मिलना है, 9 वाले निकल गए उनको नहीं मिला, तो 10 में भी आ गए, अभी 10 के बच्चे हैं इनको भी नहीं मिला है, मतलब अभी 3 साल का बताया है मान के। देखिए सरकार की ये बहुत बड़ी दुर्व्यवस्था है, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए। बच्चों के साथ आप ऐसा दुर्व्यवहार नहीं कीजिए, क्योंकि ये लोग 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर से आते हैं और इन लोग को पास साइकिल का व्यवस्था नहीं है, और ये लोग प्लस बच्चियां हैं तो ये लोग कैसे आएंगे स्कूल? पैदल तो आने में दिक्कत होगा, क्योंकि बहुत दूर से आते हैं, 6-7 किलोमीटर पैदल डेली चलना बहुत मुश्किल की बात है। तो आप लोग को दिक्कत नहीं होता आने में? होता है सर, होता है। देखिए मजबूरी में शिक्षा लेना एक दूसरी बात है, लेकिन अगर व्यवस्था रहते हुए मजबूरी का सामना करना पड़े ये तो सरकार के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, जो कि ये चीज़ जितना जल्दी हो सके इसको दूर किया जाए। और जो भी इसका पदाधिकारी है कृपया इन पे ध्यान दें, और जो भी साइकिल का क्या समस्या है जल्दी इसको शॉर्ट आउट करके साइकिल देने का कृपया करें, ताकि बच्ची लोगों को दिक्कत नहीं हो। आप लोग कहाँ से आते हैं? खड़ा भाई कहाँ से आते हैं? खमार से। खमार कितना किलोमीटर होगा? लगभग 6-7 किलोमीटर। 6-7 किलोमीटर ये भी होगा। आप कैसे आते हैं? साइकिल से। साइकिल से, अपना साइकिल से आते हैं। किसका साइकिल से लेकर आते हैं? अपना साइकिल।
आप अपना से खरीदे जी। देखिए ये लोग अपना से साइकिल भी व्यवस्था कुछ कुछ लोग कर ले रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं वो कैसे आएंगे। ठीक है बैठ जाइए। ये तो दिक्कत हो रही है बच्चियों को आने में, क्योंकि साइकिल नहीं मिल पा रहा है। और कौन आते हैं दूर से? आप हैं, कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? नाथपुर से। नाथपुर कितना किलोमीटर होगा? 5-6 किलोमीटर वो भी होगा। आप कैसे आते हैं? साइकिल से। साइकिल कहाँ से लाए? मिला है? नहीं, घर से साइकिल मिला है जी। गरीब परिवार से आते हैं और दिक्कत होगा इन लोगों को, जब साइकिल का व्यवस्था इनका फैमिली करेगा तो दिक्कत होगा ही, क्योंकि उन लोगों को घर चलाना मुश्किल हो जाता है। और जैसे बच्चियों के लिए मजबूरी में साइकिल का व्यवस्था कर दे रहे हैं, लेकिन सरकार के पास जब व्यवस्था है तो इसको क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों रोका गया है? जो भी पदाधिकारी हैं इन पर ध्यान दें और ऐसे मतलब लड़कियों को या बच्चियों को मतलब व्यवस्था रहते हुए मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। चलिए बैठ जाइए। रखें पूरा क्लास को, ये हम लोग का क्लास है तो क्लास में ही हम लोग मिल के किए। बहुत अच्छी बात है यार। साइड साइड में क्या क्या चीज का है सब? वो सब क्या बोलते हैं, स्वच्छता का अभियान था तो सर बोले थे लिख के चिपकाने। चलिए बहुत अच्छा बात है। और क्लास का व्यवस्था भी अच्छा है, घड़ी वगैरह लाइट वगैरह सब जल रहा है, पंखा वगैरह सब चलता है ना? यस सर। टेंस कितने प्रकार होते हैं? देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस। कौन कौन से? पास्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और देखने से लग रहा है कि सारे अलग अलग प्रजाति के हैं। पर मैंने अंतरात्मा में तकलीफ कर ली,